नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। मैं योगेश शर्मा, आस्था एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो रोटेशनल मोशन का टॉपिक है। घूर्णन गति का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा यहाँ के बारे में आपको बता देता हूँ। आस्था एजुकेशन दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से। तो आप लोग यदि NDA, नेवी एयरफोर्स की तैयारी यहाँ से करना चाहो तो प्लीज़ यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करो, या अपना कॉल वगैरह करके नाम रजिस्टर कर दो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस कौन सी गति के अंदर होगा? रोटेशनल मोशन के अंदर होगा। तो हेडिंग लगाओ सब लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, क्या रहता है? जड़त्व आघूर्ण। अब आपको इसके बारे में चर्चा करनी है। जड़त्व, आप लोगों ने जब रेखीय गति पढ़ते थे, लीनियर मोशन पढ़ा करते थे, उसके अंदर जड़त्व किसको इंडिकेट करता था? मास को बताता था, द्रव्यमान को बताता था। जितना ज्यादा जड़त्व उतना ही ज्यादा उसका द्रव्यमान। बात याद है कुछ? F इक्वल टू MA लिखा करते थे, F इक्वल टू MA। तो ये M किसको बताता है? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो सेम वही बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, घुमाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसको अपन लिखते हैं आई से। घुमाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। लेकिन जितना ज्यादा होगा, जैसे इसमें एम ज्यादा हुआ तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसी रेट में रोटेशन में टॉर्क लगाना पड़ता है। बल की जगह लीनियर मोशन में तो एफ लगाते हैं, रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने। यहां पे जो आई है उसी की चर्चा करनी है। तो सीधा सा ध्यान रखो, जो काम घूर्णन गति में आई करेगा वही काम रेखीय गति में द्रव्यमान करेगा। नोट कर लो ये लाइन ऊपरी ऊपर टॉप पे, अपनी कॉपी की हेडिंग लगा लो। जो काम रेखीय गति में द्रव्यमान करेगा वही काम घूर्णन गति में आई करता है, जड़त्व आघूर्ण करता है। ठीक है, जो काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है वही काम लीनियर मोशन में मास करता है। ठीक, आई का अपने को आज यहाँ पे सिर्फ आई के बारे में चर्चा करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा आई क्या होता है। आई का बेसिक फॉर्मूला होता है MR2। क्या फॉर्मूला होता है? MR2। कैसे लिखते हैं? किसी भी चीज को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए कोई एक्स माननी पड़ती है। आप पंखा घूम रहा है, किसी एक्स के अबाउट घूम रहा है, किसी एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्स आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं किसी बिंदु मास को लेता हूं, बिंदु द्रव्यमान को लेता हूं, ये मान लिया एक्स। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भैया स्मॉल m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया अपन ने r, लंबवत दूरी है स्मॉल r, एक बिंदु द्रव्यमान r है। इस x के चारों ओर ऐसे ऐसे रोटेट कराएं तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? I बराबर MR2। क्लियर, I बराबर कितना होगा? MR2। सोच के देखो, यदि यहां पे मास ज्यादा ले ले, द्रव्यमान ज्यादा ले ले, क्या आई का मान ज्यादा होगा? कुल मिला के ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा भैया। एक तो सिंपल सा समझो बात को, पत्थर एक रस्सी ले, छोटा पत्थर बांधो, टक 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 घूम रहा है ना,
बड़ी ईंट ले अब घुमाओ। स्वाभाविक सी बात, मास बढ़ गया इसका मतलब आई भी बढ़ गया, आर बढ़ गया इसका मतलब आई भी बढ़ गया। ठीक है, तो आई जो है रोटेशन ऑफ एक्स क्या है, घूर्णन एक्स क्या है, उसकी स्थिति पर डिपेंड करेगा। मास क्या है पार्टिकल का, द्रव्यमान क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, और घूर्णन एक्स से कितनी दूरी पर है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे दूरी का एग्जांपल सोचो, एक देखो थोड़ी सी दूरी पे छोटा पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं आराम से जल्दी जल्दी। अब उसी लाइन को, उसी रस्सी को थोड़ा बड़ा करो, ऐसे जोर आएगा ना, और बड़ा करो, बहुत ज़्यादा जोर आएगा। तो ये जो जोर है वही तो आई होता है, कितना ज़्यादा जोर आए वही आई होता है भैया। रोटेट कराने में आपको कितना सीधा सा रोटेशन में जो विरोध होता है, जो अपोज करने की कोशिश करता है, वो आई होता है। लेकिन अपन मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली बात क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। यदि इसकी मात्र की बात की जाए तो मास का, द्रव्यमान का यूनिट केजी हो गया, डिस्टेंस का मीटर स्क्वेयर हो गया। सिंपल सा याद रखो, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, अदिश राशि होती है भैया। और वीमा वाइज लिखें डायमेंशन, केजी की एम होती है, मीटर की एल टू होती है, और टी जीरो होता है, नहीं है टी जीरो हो जाएगा। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एक बिंदु मास के लिए ये रोटेशन ऑफ एक्स है, घूर्णन एक्स है, तो यहाँ से आई क्या बन जाएगा? एम आर ए स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए थोड़ा और ध्यान देते हैं। मान लो ये रोटेशन ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक मास एम लगा दिया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये आर वन डिस्टेंस है। एक मास एम टू लगा दिया, आर टू डिस्टेंस है। एक मास एम थ्री लगा दिया, आर थ्री डिस्टेंस है। ये सारी के सारी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है भैया। कैसी है? परपेंडिकुलर। एक मास यहीं पे ले लिया एम फोर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक से ज्यादा मास हो गया और एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या करना है आप लोगों को? सिर्फ जोड़ बाकी करना है, कोई वेक्टर चीज तो है ही नहीं, कोई डायरेक्शन तो लेनी नहीं। स्केलर क्वांटिटी कोई सी भी हो, सीधा जोड़ कर दो। तो आई इन चारों का निकालें इस एक्स के अबाउट, इस एक्स के परितः यदि आई निकालना हो तो आई बराबर हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वेयर, एम टू आर टू स्क्वेयर, एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर प्लस एम फोर आर फोर स्क्वेयर। और ज़्यादा होंगे तो और ज़्यादा कर देंगे। बात समझे? बिंदु मास है, चार बिंदु मास लिए, चारों के लिए अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा। पाँच दस होते तो पाँच दस के लिए लिख देते सीधा सा। अब देखो, यदि आपने घूर्णन एक्स को चेंज किया, क्या किया? चेंज किया, तो सबकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो आई जो है घूर्णन एक्स पे डिपेंड करता है, आई जो है घूर्णन एक्स पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। घूर्णन एक्स कहाँ पे मानी है आप लोगों ने? ये डिस्टेंस हमेशा आर वन आर टू आर थ्री आर फोर जो भी आपको लेनी है, वो क्या लेनी है? घूर्णन एक्स से परपेंडिकुलर लेनी है, लंबवत लेनी है। जैसे इसके लिए आर वन है, इसके लिए आर टू है, इसके लिए आर थ्री है, लेकिन एम फोर के लिए कितनी है? जीरो है। घूर्णन एक्स के ऊपर ही बैठा है, जब घूर्णन एक्स के ऊपर बैठा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा? जीरो आ जाएगा ना। तो इसके लिए आर कितनी होगी? जीरो। तो किसी भी एक्स के ऊपर बात करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? जीरो आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आई बात? चलिए फटाफट देखते हैं, इसी क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, फटाफट मार्क्स देता हूँ मैं। ये छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानो एक दो केजी का है मास, एक तीन केजी का है, बीच का डिस्टेंस डी है, और ये ठीक बीच में आपने रोटेशन ऑफ एक्स मान लिया,
मैं बताऊँ, आई बता सकते हो आप आराम से, आ पूरा डिस्टेंस कितना है भाई डी, तो आधा कितना हुआ डी बाई टू, इधर से भी आधा कितना हुआ डी बाई टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दो पॉइंट दो ही मास है आपके पास में, तो आई क्या बनेगा एम आर स्क्वेयर, एम कितना है दो, आर स्क्वेयर कितना है डी स्क्वेयर अपॉन टू का स्क्वेयर कितना आ गया फोर, आगे थ्री एम टू, आर कितना है डी बाई टू का स्क्वेयर कर दें ये आ जाएगा, तो कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर ही सकते हो, ये कुछ कैंसिल हो जाएगा तो डी स्क्वेयर बाई टू, आगे वाले में थ्री बाई फोर डी स्क्वेयर, तो आधा और थ्री बाई फोर ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन कर लेना, ज़्यादा झंझट नहीं करना है। ये मैं रोटेशन ऑफ एक्स चेंज कर दूँ, मैं इधर शिफ्ट कर देता, मैं इधर शिफ्ट कर देता, आई बदल जाता, आर बदल गई, ठीक है। तो आपको कोई पूछे आई किस किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एक्स कहाँ पे मान रहे उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बात। चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन कराता हूँ तीन चार टाइप से, इजी सा क्वेश्चन है, एक मास एम है, ये भी मास एम है, ये भी मास एम है, चार कोनों पे चार मास रख दिया मैंने, चार द्रव्यमान रख दिया, सबकी साइड ए है, सबकी साइड कितनी है भैया ए है, एक बी मान ले, बी मान लेते, ये भी बी मान लो। अब आप लोगों को क्वेश्चन करना है, सबसे पहले ठीक बीच में इस एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ध्यान दो सब लोग फटाफट, ये कितना है a बाई टू, ये डिस्टेंस भी कितना है a बाई टू, ये डिस्टेंस भी कितना है a बाई टू, ये डिस्टेंस भी a बाई टू है, तो i इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, m a बाई टू का होल स्क्वायर इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर, इससे भी चारों से सेम ही है, फोर लिख देंगे कितना आ जाएगा एम ए स्क्वेयर बाई फोर इंटू फोर, फोर से फोर पे कैंसिल हो गया एम ए स्क्वेयर, ये आई का वैल्यू आ गया। मैं यदि ऐसे एक्स ले लेता, ध्यान देना भैया, एक्स ऐसे ले लिया, ये आई इसके अबाउट आई कितना होगा, एक्स चेंज वैल्यू चेंज, देखिए इस एक्स के अबाउट करना है, इस एक्स के ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, तो देखो इससे इस एक्स के अबाउट इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मास एम इस ऊपर वाले की जीरो है, इसकी कितनी है जीरो है, इसकी कितनी है बी है, इसकी कितनी है बी है, आई एम पहले की जीरो का स्क्वायर, दूसरे की भी जीरो का स्क्वायर, तीसरे की एम बी स्क्वेयर हो जाएगा, चौथे की क्या हो जाएगी एम ए बी स्क्वेयर, आई का वैल्यू आ गया टू एम बी स्क्वेयर, के जी इंटू मीटर स्क्वेयर, क्यों ऐसे कर लोगे, फटाफट आगे चलते हैं, दोनों बातें समझ में आ गई होगी शायद, एक्स चेंज कर दो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस लाइन के अबाउट बताना है आई, एक्सचेंज वैल्यू चेंज, जल्दी से कोई बच्चा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, कर सकता है आराम से, बहुत ईजी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, लंबोत डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस देखो इस एक्स के ऊपर ही है, डिस्टेंस जीरो एक्स के ऊपर है, डिस्टेंस जीरो, सिर्फ दो की तो निकालनी है आप लोगों को, इधर ध्यान दोगे ऐसे, यदि ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, यही तो हुई, ये कितना है आपका पूरा, यदि पूरे की बात करें तो पूरी लाइन देखो ए ए सॉरी बी ए बी, हाइपोटेन्यूस निकालना है, करंट निकालना है आपको, तो क्या फॉर्मूला था बोलो जरा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है ना, पूरी लाइन कितनी है अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, आपको तो आधी निकालनी है, बाय टू कर दो, अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई टू,
ऊपर भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई टू आ जाएगा। तो ये रोटेशन ऑफ एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ये भी आ गया, तो आप लोग क्या लिखोगे आई, इसका डिस्टेंस जीरो, दूसरे वाले का इसका देखो अंडर रूट है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई टू का होल स्क्वेयर, तीसरे वाले का जीरो, चौथे वाले का सेम ऊपर हो जाएगा। ये होल स्क्वेयर हो गया, तो होल स्क्वेयर में सीधा सीधा डबल हो रहा है ना, तो ये देखो 2m ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई फोर आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई टू आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया भैया, ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। लास्ट एक लास्ट टाइप और कर लेते हैं, बस ध्यान रखो कहाँ से कैसे करना है, इससे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें क्या बताएंगे आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना आपका, वही मास एम ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा मिटा दिया एम 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 एम। अब आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है मार्कर को देखो ध्यान से, इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कराना है, आई निकालना है इसके अबाउट, ये कितना माना था आप लोगों ने, ए लिया था ना, ये कितना था आपका बी था, ये कितना था बी था, ये भी ए था, ऐसे ही कुछ था, इसके अबाउट निकालना है किसी एक मास के परपेंडिकुलर एक्स से लंबवत एक्स के सापेक्ष घुमाना है, आई कितना आएगा फटाफट देखो, इसके अबाउट खुद को ही घुमाना है, यहीं पे मोमेंट ऑफ एक्स हो गई ना, रोटेशन ऑफ एक्स हो गई, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जीरो है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एम ए स्क्वेयर, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जल्दी से बोलो अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कर लिया होगा ये तो आप लोगों ने, एम अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एम बी स्क्वेयर है, ये जीरो हो ही गया, एम ए स्क्वेयर प्लस एम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ऐसे लिख दें इसको एम बी स्क्वेयर, क्या कुछ ऐड वेड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, टू एम ए स्क्वेयर प्लस टू एम बी स्क्वेयर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कहाँ दिक्कत है, आपको कुछ बचा है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज़्यादा कोई नहीं बताता, आप सबसे ज़्यादा बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्लियर है आपके बात बिल्कुल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की किसके लिए बात की है, मैंने सिर्फ पॉइंट मास के लिए बात की है, किसके लिए बात की है, केवल और केवल पॉइंट मास के लिए, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपन ने चर्चा कर ली है, आई के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब ये हो गया आपको हर एक टॉपिक फिजिक्स में कुछ ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ उसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कराई जाएगी, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आज तक आए हैं, एनडीए में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, भले आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं उसके अंदर, तो आप यदि आप एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए आ रहे हो तो आपको 25 में से क्वेश्चन, एयरफोर्स में जो 25 क्वेश्चन रहते हैं उस 25 में से 25 क्वेश्चन यहाँ से आपको इस क्लास के द्वारा मिल जाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट, और बहुत ईजी पेपर रहता है एयरफोर्स एनडीए और नेवी का, फिजिक्स का लेवल बहुत ईजी रहता है, चुटकियों में सोल्व करोगे ऐसे, अंगुलियों पर रहता है, ये भैया क्वेश्चन हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, होगा कब, आपकी प्रैक्टिस से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को मेहनत करनी है, लेकिन मेरा फोकस ये रहेगा, मैं आपका हर एक पॉइंट क्लियर कर दूँगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी रटने की चीज़ है, इसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस है आपको करना, मेरी कोशिश ये रहेगी आपको हर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं,
तो ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।